आज की इस वीडियो में हम करेंगे राइट अ लेटर टू डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू कंप्लेंट अबाउट द लाउड स्पीकर अबाउट द लाउड स्पीकर्स इन योर लोकलिटी। ठीक है, तो ये आपको करना है, यानी कि लाउड स्पीकर के रिगार्डिंग आपको एक लेटर लिखना है डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, टू कंप्लेंट कंप्लेंट करना है के बारे में, किसके, लाउड स्पीकर के, इन योर लोकलिटी यानी आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले करने का तरीका यही है, सबसे पहले आपको क्या है कि अपना एड्रेस लिखना है, जहां से, जहां की ये लोकलिटी है वहां का एड्रेस डालना है। सबसे पहले मैं डाल दिया राम विहार कॉलोनी कानपुर नगर, और फिर लिख दी डेट। ओके, फिर नीचे लिखोगे टू, किसके लिए भेज रहे हैं इस पत्र को, उनका पता, किसके लिए भेजा जा रहा है, ये भेजा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर नगर। ओके, फिर नीचे डालेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, जो आपका क्वेश्चन है उसी में से सब्जेक्ट बनता है। देखिएगा, ये तो बन गया टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, अब सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट द लाउड स्पीकर इन योर लोकलिटी, तो वही डाल लेना है, कंप्लेंट रिगार्डिंग या अबाउट डाल दो लाउड स्पीकर इशू इन अवर कॉलोनी। यहां पे क्वेश्चन में देगा इन योर कॉलोनी, यहां डालोगे आप अवर कॉलोनी, क्योंकि हम लिख रहे हैं ना पत्र को। ठीक है, चलिएगा, फिर उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, महोदय या आदरणीय सर या आदरणीय महोदय, क्या आएगा, फिर आगे आपका आएगा, देखिएगा, आई लिव इन राम विहार कॉलोनी, मैं राम विहार कॉलोनी में रहता हूँ। ठीक है, अवर लोकलिटी या अवर कॉलोनी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द नुइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, हमारी जो कॉलोनी है वो किस चीज का सामना कर रही है, लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम का, लाउड स्पीकर के नुइसेंस का। ठीक है, या आप नुइसेंस को काट दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिएगा प्रॉब्लम ऑफ द लाउड स्पीकर्स। ठीक है, हमारी कॉलोनी किस चीज का सामना कर रही है, लाउड स्पीकर का सामना कर रही है, यानी कि लाउड स्पीकर्स के नुइसेंस का सामना कर रही है। ओके, उपद्रव्य यानी लाउड स्पीकर, यानी कि हाई वॉल्यूम, समझ ही रहे हो, लाउड स्पीकर के समस्या का कुल मिलाकर ये है। ठीक है, चलिएगा, आगे देखिएगा, आगे करते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ के बाद में लिखेंगे हम, देखिए ये रहा, ये लिख दिया है मैंने इधर, यहाँ के बाद में आप लिखोगे सम पीपल, कुछ लोग यूज लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर डे एंड नाइट, यानी कि कुछ लोग लाउड स्पीकर यूज करते हैं, किसमें, दिन और रात दोनों में। ठीक है, ड्यू ड्यू टू, जिस कारण द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर एवल प्रिपेयर टू देयर बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि जिस कारण स्टूडेंट्स क्या अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सीनियर सिटीजन आर नॉट अवेयर टू गुड स्लीप, और सीनियर सिटीजन कैसे एक अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, किसके कारण, इस लाउड स्पीकर के कारण। यहाँ पे आगे दे मेक्स या दिस मेक्स अवर लाइफ मिसरेबल, यानी कि जिसने हमारी जिंदगी को कैसा बना दिया, बहुत दयनीय बना दिया, बहुत ज्यादा बेकार बना दिया है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इंस्ट्रक्ट, यानी सो आप क्या करो, इसलिए आपसे मेरा, देखिएगा, सो आई रिक्वेस्ट यू, यानी सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यानी अनुरोध है कि टू इंस्ट्रक्ट द लोकल अथॉरिटीज टू, तो इसके लिए आप स्थानीय अधिकारियों को क्या करो, स्थानीय अधिकारी, देखिए टू इंस्ट्रक्ट यानी कि निर्देश दो, टू लोकल अथॉरिटीज यानी स्थानीय अधिकारियों को, टू टेक प्रॉपर एक्शन, इस पर प्रॉपर एक्शन लेने के लिए, यानी कि उचित कार्रवाई करने के लिए, प्रोवाइड अस रिलीफ फ्रॉम द नोइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है, अधिकारियों को आप क्या करो, निर्देशित करो लोकल अथॉरिटीज यानी कि वहां के स्थानीय अधिकारियों को आप इंस्ट्रक्ट करो, यानी कि निर्देशित करो या निर्देश करो कि वो हमारे लिए एक प्रॉपर एक्शन लें, ठीक है, एक उचित कार्रवाई करें, टू रिलीफ फ्रॉम यानी कि हमको इस नोशन से, लाउड स्पीकर की समस्या से हमको क्या करा सकें, निजात दिला सकें, यानी कि उससे हमको
यानी रिलीफ दिला सकें, ठीक है। थैंकिंग यू, फिर यहाँ पे लिख देंगे योर फेथफुली एक्स वाई जेड। योर फेथफुली क्यों आता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जो नए हैं उनको मैं फिर बता दे रहा हूँ। कोई भी अधिकारी को पत्र लिखते हैं जो हमको पता नहीं है, अधिकारी देखिए आप डीएम को बाई नेम से तो नहीं जानते हो कि आप उनसे कभी मिले हो, नहीं, तो हम डायरेक्टली हम वहाँ पे लिखेंगे योर फेथफुली, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाता है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, बस इतना लिख देना, बहुत काफ़ी है।